दोस्तों अगर आप भी ऋषभ पंत और श्रेयस अय्यर को बेहतरीन खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों दूसरे टेस्ट मैच में ऋषभ पंत बन गए धोनी और श्रेयस अय्यर ने आज विराट और रोहित की कमी को अकेले पूरा कर दिया। कैसे दोनों खिलाड़ियों ने विराट कोहली के विकेट का बदला भी लिया और अपनी बल्लेबाजी के दम पर भारत की लाज को भी बचाया। साथ ही दोस्तों पंत और अय्यर ने अपनी इसी तूफानी बल्लेबाजी के दम पर एक ऐतिहासिक रिकॉर्ड भी बना दिया है। आपका वो रिकॉर्ड भी बताएंगे, इनकी बैटिंग का वीडियो भी दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है, पंत, धोनी और सैमसन तीनों में सबसे बेहतर कौन है, नीचे कमेंट करके बताना हमें नहीं भूलिएगा। दोस्तों दूसरे टेस्ट मैच का दूसरे दिन का खेल शुरू हो चुका है, लेकिन शुरुआत हमारे नहीं बल्कि बांग्लादेश के पक्ष में चली गई। जहां पहले दिन के खेल में हमारे खिलाड़ियों को जब बैटिंग का मौका मिला तो एक भी विकेट नहीं गिरा था, लेकिन अभी तो दूसरे दिन के पहले 10 ओवर ही डाले गए थे कि हमारे दो दिग्गज बैट्समैन शुभमन गिल और केएल राहुल 10 और 20 रन पर आउट हो जाते हैं। अब ऐसे स्कोर पर आउट होंगे तो मिडिल ऑर्डर पर प्रेशर तो बनेगा ही, और इसका नतीजा भी हमारे सामने रहा। दोस्तों चेतेश्वर पुजारा बड़ी तेजी में थे, 55 गेंद में उन्होंने दो चौके तो जड़ दिए थे, लेकिन उसके बाद वो 24 रन पर ही आउट हो गए। उधर दोस्तों विराट कोहली से थोड़ी बहुत उम्मीदें अभी बनी थी कि वो भी 73 गेंदे खेलकर अपने आप को सेट तो कर चुके थे, लेकिन 3 चौके जड़कर तस्किन अहमद की गेंद पर वो भी नूरुल हसन को कैच समा बैठे और 24 रन पर उनकी पारी समाप्त हो गई। दोस्तों कहने को तो पुजारा और कोहली मैदान पर थोड़ी देर बहुत रुके, लेकिन 24 रन बनाकर जाएंगे तो 48 रन से भारत को कुछ खास मदद तो मिलनी नहीं थी। दोस्तों आपको बता दें कि 60 से 70 रन के दायरे के अंदर भारत ने अपने ये चार बड़े दिग्गज खो दिए थे। बल्लेबाजी में भारतीय क्रिकेट टीम बहुत पीछे रह गई थी, लेकिन तभी मैदान में एंट्री हुई जूनियर महेंद्र सिंह धोनी कहे जाने वाले ऋषभ पंत की और उनके जोड़ीदार बने श्रेयस अय्यर। दोस्तों दोनों खिलाड़ियों ने मिलकर आज बल्लेबाजी में वाकई में मिसाल कायम कर ली है और ऐसी बैटिंग करी है इस पांचवें विकेट के लिए जो शायद ही पिछले वक्त में कोई कर पाया होगा। आपको बताए दोस्तों कि ऋषभ पंत ने ना तो तस्किन अहमद को देखा, ना ही ताजुल इस्लाम, ना शाकिब अल हसन, हर किसी को बैक टू बैक चौके व छक्के जड़ते हुए ऋषभ पंत ने इस टेस्ट मैच को वनडे बना डाला। उधर श्रेयस अय्यर भी उनके नक्शे कदमों पर चल रहे थे। दोस्तों आप इसी एक आंकड़े से अंदाजा लगा सकते हैं कि दोनों खिलाड़ी कैसे बैटिंग कर रहे थे। पारी के 42वें ओवर में जहां अय्यर ने तस्किन अहमद को बैक टू बैक दो चौके जड़े तो फिर पंत भी कहां रुकने वाले थे। खालिद अहमद को 200 पारी के 45वें ओवर में पंत ने दो चौके जड़कर पूरा हिसाब चुकता कर दिया, और पारी के 47वें ओवर में तो उन्होंने ताजुल इस्लाम को एक गगनचुंबी छक्का भी जड़ दिया। ताजुल इस्लाम दोस्तों जो कि एक लेफ्ट आर्म स्पिनर गेंदबाज है, पंत को जैसे ही ट्रैप में फंसाना चाह रहे थे तो एक स्लॉग स्विप शॉट खेलते हुए उन्होंने भी डीप मिड विकेट की तरफ से गेंद को हवा में इस तरीके से उड़ाया कि गेंद दूसरे स्टैंड में जाकर गिरी और ये शानदार छक्का हो चुका था। ये भारत की इनिंग का दूसरा सिक्स भी बना। और फिर दोस्तों अगली गेंद पर 2 रन लेकर ऋषभ पंत ने मात्र 47 गेंदों के अंदर अपना अर्धशतक भी पूरा कर लिया था। उधर दोस्तों श्रेयस अय्यर भी तेजी से रन बनाते चले गए, 233 गेंदों में 5 चौके जड़कर अय्यर साहब भी 30 से ज्यादा रन लगा चुके थे। उधर ऋषभ पंत तो 50 से ऊपर पहुंचने के बाद अपने गियर ही बदल चुके थे और शतक की तरफ बड़ी तेजी से बढ़ते चले गए। दोस्तों आपको बता दें कि इन दोनों खिलाड़ियों ने एक रिकॉर्ड तोड़ पार्टनरशिप बना दी है। पांचवें विकेट के लिए अब तक इस सीरीज में खेली गई ये किसी भी टीम की सबसे बड़ी पार्टनरशिप है जो पंत और अय्यर के बीच में हुई, जिसमें तकरीबन 100 से ज्यादा रन अब पूरे हो चुके हैं। इतना ही नहीं दोस्तों आपको बता दें कि ऋषभ पंत ने इस पूरी सीरीज का सबसे लंबा छक्का लगाया है, जिसकी लंबाई लगभग 100 मीटर से ज्यादा बताई जा रही है। उधर दोस्तों अगर ये दोनों खिलाड़ी शतक लगाते हैं तो आपको बता दें कि पिछले 5 सालों में ऐसा नहीं हुआ जब दो खिलाड़ी एक साथ भारत की तरफ से बांग्लादेश की सरजमीं पर शतक लगा जाएं, और ये भी अपने आप में किसी रिकॉर्ड से कम नहीं होगा जो ये खिलाड़ी बनाने में पूरी तरीके से सक्षम है। कुल मिलाकर दोस्तों अय्यर और पंत की बल्लेबाजी के आगे आज बांग्लादेश की टीम को घुटने टेकने ही पड़े हैं, लेकिन आप सभी पंत के सिक्सेस, उनकी बैटिंग और अय्यर की बैटिंग को भी 10 में से कितने नंबर देंगे नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। रवि सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को। धन्यवाद।